नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी का उपमा या जिसे हम राबा उपमा भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और झटपट बन जाने वाला रेसिपी है, तो चलिए बना लेते हैं राबा उपमा। राबा उपमा को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम राबा या सूजी लिया है। सबसे पहले हम एक पैन पर एक चम्मच घी गरम कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा काजू और किशमिश फ्राई कर लेंगे। मैंने काजू 10 से 12 लिया है और किशमिश भी 10 से 12 लिया है। हम काजू और किशमिश को लो फ्लेम पर हल्का सा ही फ्राई करेंगे। तो हमारा काजू और किशमिश फ्राई हो चुका है, अभी हम इन्हें एक बाउल पे डाल देंगे। उसी पैन पर हम एक चम्मच घी और गरम करेंगे और सूजी को हल्का सा भून लेंगे। सूजी को हमें लगातार हिलाते हुए भूनना है जिससे ये नीचे ना लग जाए। हमें धीमी आंच पर हल्का ब्राउन कलर होने तक इन्हें भूनना है। तो आप देख सकते हैं ये सूजी का कलर चेंज होने लगा है, ये हल्का सा ब्राउन कलर का हो चुका है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और सूजी को एक प्लेट पर डाल देंगे। ये उपमा हम विदाउट गार्लिक और ऑनियन का बनाएंगे। अभी हम एक पैन पर फिर से 2 चम्मच घी डालकर गरम कर लेंगे और तड़के के लिए इसमें हम 1/2 चम्मच हींग पाउडर, 1 सूखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच जीरा और कुछ करी पत्ता डालेंगे। तड़के को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं यहाँ पर 1 बारीक कटे हुए टमाटर डालूंगी और तड़के के साथ अच्छे से मिला लूंगी। नाश्ते के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये बहुत लाइट होता है। फिर बारीक कटे हुए हरे शिमला मिर्च डालूंगी। इसमें हम कुछ कॉर्न और हरे मटर भी डालेंगे। कॉर्न और हरे मटर को मैंने पहले से थोड़ा सा बॉईल कर लिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सारे वेजीज को हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने जो करी पत्ता डाला था, ये स्टोर किया हुआ करी पत्ता है। बाजार में हमेशा फ्रेश करी पत्ता नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं इन्हें सुखा के रख देती हूँ और जरूरत पड़ने पर 1/2 घंटा पहले इन्हें गर्म पानी पर भिगो के फिर यूज करती हूँ। तो इसी तरह अगर आपको भी फ्रेश करी पत्ता न मिले तो आप स्टोर करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। तो हमारा वेजीज पक चुका है। अभी हम 1 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालकर और थोड़ी देर तक पका लेंगे। तो वेजीज तैयार है, अभी हम इन पर भुने हुए सूजी को डाल देंगे। सूजी के साथ वेजीज को अच्छे से मिला लेंगे और फिर मूंगफली और काजू को भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली डाला है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद हम अभी इन पर पानी ऐड कर देंगे। कुल मिला के मैंने यहाँ पे 3 कप पानी मिलाया है। हमें ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, नहीं तो ये सूजी गीला हो जाएगा। पानी का मेजरमेंट हमें ठीक रखना होगा।
तो पानी डालने के बाद हम सूजी को करीब 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सूजी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नमक मिला रही हूँ क्योंकि वेजीज में मैंने जो पहले नमक मिलाया था वो थोड़ा सा कम पड़ सकता है। आप अपने अनुसार नमक डालिएगा या नमक डालने से पहले थोड़ा सा चख के देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्रेकफास्ट रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो हमारा सूजी भी पक चुका है और आखिर में हम किशमिश डाल देंगे। सुबह के जल्दबाजी के समय ये रेसिपी बहुत ही अच्छा और फिलिंग है। गैस को ऑफ करने से पहले हम बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा रावा उपमा या सूजी का उपमा तैयार हो चुका है। हमने पूरे उपमा को लो से मीडियम फ्लेम पर कुक किया है। तो इस क्विक रेसिपी को आप सुबह नाश्ते पर आसानी से बनाकर सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसे लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।